A very pleasant morning to one and all present over here while watching my video. So today we are going to start with the chapter number 3. This is Civics Class 8 ICC Board Judiciary. So as you all know that there are in our democracy system, there are three pillars. Okay, three pillars hote hain democracy ke. So jisme se jo judiciary hai wo third pillar hai. अदर दूसरे कौन से हैं? पहला दूसरा लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. दो तीन पिलर्स होते हैं, पहला लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी. ऑलराइट, तो जो जुडिशरी होता है वो इंटरप्रेट करता है लॉ को, जो कि लेजिस्लेचर से बनाया जाता है, और एग्जीक्यूटिव वो लॉ को देखता है और जुडिशरी वो फाइनल करता है. तो ये होता है काम उनका. जुडिशरी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस राइट्स को जो सिटीजन्स के, उसको ही प्रोटेक्ट नहीं करता है. ओके, बट ऑल्सो रिजोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल सिटीजन्स. उन डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता है जो सिटीजन्स के प्रॉब्लम खाली देखता ही नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं करता है उनके राइट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनको रिजोल्व भी करता है बिटवीन स्टेट्स. ओके, चाहे वो सेंटर और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हो या बिटवीन स्टेट्स में हो. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने आंसर वन मार्क करके रखा है आपका. ये आंसर वन यहाँ से ही है. In India, we have a single integrated system of court with the Supreme Court at the top. This means that there are no separate set of laws, and a single civil and criminal procedure operates throughout the country. तो इसमें ये आंसर वन क्या कह रहा है, आंसर वन कह रहा है कि हमारा जो इंडिया है, उस हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है. मींस वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को ऊपर से सॉल्व करता है. इन इंडिया वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट. कोर्ट का एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो सबसे पहला जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा जो है हाई कोर्ट है. यहाँ पे आपको प्राइमेट दिख रहा होगा, या सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है, फिर बीच में कौन सा है सेकंड पर, हाई कोर्ट, और फिर सबसे लोस्ट में कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट. सॉरी सॉर्डिनेट कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट. ओके, सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट रहता है, इतना रखना. ठीक है, मिक्स मत करते ना. तो हमारा एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जुडिशरी का. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि ये इसका मतलब है कि हमारे पास इंडिया में कोई भी और लॉज या फिर कोई भी एक ही सिंगल सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर ऑपरेट करता है पूरे पूरे कंट्री में. डबल प्रोसीजर नहीं रहता है इंडिया में. क्या है, वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप. This means that there are no separate set of laws, and a single civil and criminal procedure operates throughout the country. So Supreme Court के जो High Court, High Court के जो subordinate court, तो ठीक है, High Court हर different states में रहता है, और under each High Court there is a hierarchy of other subordinate courts. All cases coming from the lower courts can be taken to the High Court and ultimately to the Supreme Court by way of appeal. Means सबसे पहले जो आता है वो सबसे पहले जहाँ पर बेसिक सबॉर्डिनेट पे कोर्ट पे केस आया उसमें वो फिर हाई कोर्ट पे जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा. ऐसे ही अपील, जज की अपील से ही जाता रहता है. अभी हमने जैसे कि जो चीज़ मार्क करी हुई है, जो आपको दिख रहा है पर्पल पेन से है, अभी पिंक कलर का भी आएगा, तो ये जो चीज़ें होंगी वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आ सकती हैं एग्ज़ाम्स में एज द टर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, एज द टर्म ऑफ MCQs. ठीक है, इन सब में आ सकता है, नेम द फॉलोइंग इन सब में आ सकती है, तो इसको आपको अच्छे से कर लीजिएगा. देन क्या है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, अपेक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, एट द टॉप ऑफ जुडिशियल सिस्टम. इसका मतलब कि यही मतलब है इसका कि जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे अपेक्स में है. सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपेक्स में है. ठीक है, अपेक्स ऑफ द, अपेक्स मतलब सबसे ऊपर, हाई. ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जाते जा रहा है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा क्या है, अपेक्स में है सबसे. नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये पूरा जो आपका इंडियन जुडिशरी है, ये जुडिशरी में जो सुप्रीम, ये हमारा पूरा इंडियन जुडिशरी है. अब ये जुडिशरी में क्या है, सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट नीचे है सबसे, है ना, फिर यहाँ इतना बढ़ा, अब यहाँ बढ़ने से फिर हाई कोर्ट पे पहुँचा, हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट पे पहुँचा. तो ये है,
नेक्स्ट हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा अपेक्स, अगर आपका एमसीक्यू में आएगा तो डैश कोर्ट इज़ एट द अपेक्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द अपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। नेक्स्ट हमारा क्या है, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमारे सेंटर से स्टेट पे ट्रांसफ़र होती हैं और इनके बीच में रहती है, ट्रांसफ़र क्या बीच में रहती है इनके। ओके अब देन क्या है कि जो हमारा जितना भी ये इसलिए कहलाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनल इंटरप्रेटर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर मीन सबसे आखिरी में यहीं पर इंटरप्रेट रहता है, या फिर हम इसको कहते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन। कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनल इंटरप्रेटर। नाउ कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है, मतलब कंपोजिशन बेसिकली इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कंसिस्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का चीफ जस्टिस कंसिस्ट करता है, चीफ जस्टिस। और क्यों चीफ जस्टिस होता है, इसलिए चीफ जस्टिस को कंसिस्ट करता है क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पर, मतलब बेसिस ऑफ सीनियरिटी के बेसिस पर, यदि पे लिखा हुआ है सीनियरिटी के बेसिस पर ये अपॉइंट होता है चीफ जस्टिस। और 33 अदर जजेस होते हैं, कितने अदर जजेस होते हैं, 33 अदर जजेस होते हैं कंपोजिशन। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली चीफ जस्टिस होता है और 33 अदर जजेस होते हैं। ऑलराइट, और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट सॉरी। तो जजेस किस लिए, कैसे अपॉइंट होते हैं, जो 33 जजेस हैं भैया, अब इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ऑलराइट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के हो, तीनों कोर्ट को जो कंपोजिशन में जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, यही हमारा है कि अब क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर हमको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो हमको क्या क्या क्वालिफिकेशन करनी होगी, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। पहला पॉइंट तो सब में सेम ही है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन नहीं है तो मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज इंडिया में नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर एट लीस्ट फाइव ईयर्स, 5 साल तक के लिए हाई कोर्ट का जज होना ज़रूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो हमें 5 साल तक का हाई कोर्ट का जज रहना होगा। देन क्या है हमारा कि जो थर्ड पॉइंट है हमारा, मस्ट बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर नॉट लेस देन, अभी अगर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज रहना है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें हाई कोर्ट का एडवोकेट जो वकील होता है उसको वहाँ पर 10 साल तक का रहना पड़ेगा, 10 ईयर्स तक का, 10 साल तक हमें हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना पड़ेगा अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। नेक्स्ट हमारा है, मस्ट बी एन इमिनियंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए इमिनियंट जूरिस्ट का मतलब ऊपर लिख दिया है, फेमस और स्पेशलिस्ट पर्सन होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी कभी भी ये ना हो कि आपकी बुराई दिख रही हो उसमें। ठीक है, आपको बुराई नहीं दिखानी है, आपको हमेशा अच्छाई दिखानी है, हमेशा ओपिनियन इमिनेंट जूरिस्ट बनना है अपने प्रेसिडेंट के आगे, तभी आप बन पाएंगे क्या, एडवोकेट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, अब कितना टर्म्स होते हैं, मींस कितने साल तक रहता है ये सुप्रीम कोर्ट का जज, टर्म्स कितने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो रिमेन्स इन द ऑफिस टिल ही अटेन्स ऑफ 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट, एस से याद रखना, एस मतलब सुप्रीम कोर्ट, और 65 ईयर्स तक का रहते हैं। अगर वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपना रिजिग्नेशन लेटर देखकर प्रेसिडेंट को। अ जज कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम एन ऑफिस एक्सेप्ट फॉर बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और जज को हम लोग, जो जज है उसको प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकता है उसके पोस्ट से, क्यों, अगर उसने कोई भी मिसबिहेव किया है किसी के साथ, कोई भी चीज़ करी है, इसलिए क्या कर सकता है ये प्रेसिडेंट, उनको रिमूव कर सकता है। या फिर ऐसे तो 65 ईयर्स तक का जज रहता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है तो वो रिज़ाइन कर सकता है रिजर्नेशन लेटर देकर प्रेसिडेंट को। तो ये एक पेज आपका हो गया, नेक्स्ट पेज हम शुरू करते हैं। यस,
ये जो नेक्स्ट पेज है इसमें अब क्या लिखा हुआ है, यही पे पहले टर्म का बताया गया है कि जो सैलरी है बताई गई है, जो सैलरी है वो ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिसीव होगी। जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको सैलरी कहाँ से मिलेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे मार्क कर दिया हमने पेंसिल, वो लिखा हुआ है उधर पिंक से हाईलाइटेड है कि जो कहाँ से, अगर ये एमसीक्यू में आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि जजेस रिसीव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसीव देयर सैलरी फ्रॉम द डैश फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, याद रख लेना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट की, तो उस हाई कोर्ट को भी सैलरी कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कैन नॉट बी लोवर्ड, और ये लोवर नहीं हो सकती है ड्यूरिंग द टेन्योर एक्सेप्टिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल, अगर उनकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो वो काम नहीं कर सकती, करी जा सकती है उनकी सैलरी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा क्या है? पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पावर और ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली ऐसा चीज़ है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि जब वो कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज करता है टू कैरी आउट अ जजमेंट एंड इंपोर्स लॉ इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन। जो पावर होती है किसकी? द पावर ऑफ, समझ नहीं आ रहा होगा आपको, पावर ऑफ लॉ, पावर ऑफ लॉ, जो लॉ की जो पावर होती है, पावर ऑफ लॉ मीन द पावर दैट अ कोर्ट, ऐसी पावर जो जब कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उस एक जजमेंट को एक इन्फोर्स करती है। द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो, द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज टू कैरी आउट जजमेंट एंड इन्फोर्स लॉ इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन, इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन। ऐसी पावर जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइज करती है टू कैरी आउट जजमेंट एंड इन्फोर्स लॉ इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया, ऐसी पावर जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है वो एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज बेसिकली जो मतलब करता ही करता है, मींस वो कैरी करता है उस चीज़ को, टू एक्सरसाइज टू कैरी आउट द जजमेंट एंड इन्फोर्स लॉ इज कॉल्ड इट ज्यूरिसडिक्शन, और उस लॉ को इन्फोर्स करता है, उस लॉ के बारे में जजमेंट निकालता है, उसे हम लोग ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ज्यूरिसडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग काइंड ऑफ केसेस, उनके केसेस के हिसाब से ये कुछ ज्यूरिसडिक्शन बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब वो ज्यूरिसडिक्शन कौन से? पहला ज्यूरिसडिक्शन है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो पहला हमारा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इस ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, कुछ केसेस होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही मिलते हैं। तो जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही वो केसेस देती है और वो डिसाइड करता है, और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है उसका ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मीन्स उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसका मतलब यही है कि एक उस पर्सन की पहले दफ़ा में जो काम हो गया है, पहली दफ़ा में ही उसकी बात सुना जाए। ओरिजिनल, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे मार्क के पेंसिल से कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मींस द पावर टू हियर अ डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि ऐसी पावर जो फर्स्ट इंस्टेंस में ही हियर कर ली जाए डिस्प्यूट को। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मींस टू पावर, द पावर टू हियर अ डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ओके, याद रख लो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब द पावर टू हियर अ डिस्प्यूट इन द, डिस्प्यूट मतलब जो काम हुआ, जो काम हुआ, काम हो गया है ना, जो केस है, इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, वो कुछ केसेस इंक्लूड करती है। वो कौन से केसेस दिए गए हैं आपको? केसेस दिए गए हैं तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई और स्टेट्स की उनमें डिस्प्यूट हो, उनमें लड़ाई हो रही हो, तो वो केसेस क्या सपोर्ट करता है? वो सपोर्ट करता है आपका सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है वो केस। ठीक है, अगर पहला पॉइंट क्या हो गया कि कौन से केसेस दिए जाते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को दिए जाते हैं अगर डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, और या फिर एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स में डिस्प्यूट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर डिस्प्यूट हो रही हो या फिर वन और मोर स्टेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में अगर डिस्प्यूट हो रही
तो ये दो से ज़्यादा किसी स्टेट्स में डिस्प्यूट हो रही हो। थर्ड, ए डिस्प्यूट ऑन विच ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव जजमेंट। अब ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट दे सकता है, ऐसा कोर्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है। जैसे कि अगर हम कहें कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात कह जा रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, कोई कह रहा है, तो उसको जो डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही को जजमेंट दी जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही उसके बारे में जजमेंट दे सकता है, ओके, ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है। जैसे कि कुछ कौन से केसेस ऐसे हुए हैं जिससे हमें बताया वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा उस कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेट करना, वायोलेट मतलब कि खिलाफ रहना। नेक्स्ट हमारा, या फिर कोई सिटीजन्स जिसके राइट वायोलेटेड हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है और अपने राइट के बारे में लड़ सकता है, राइट के लिए लड़ सकता है। कोई भी सिटीजन के राइट वायोलेटेड हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने राइट्स के बारे में, अपने राइट्स से अपनी चीज़ें वो बता सकते हैं, उनके पास पूरा फ्रीडम है ये सब करने की। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास एज अ पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग ऑर्डर्स और रिट्स। एक वर्ड आया रिट्स। रिट्स क्या होती हैं? रिट्स बेसिकली, शुरू हो गया, एक वर्ड है रिट। रिट्स मतलब क्या होता है? सी यहाँ पर यह क्या रिट्स, तो रिट्स मतलब होता है बेसिकली, की लाइन लिख दो अगर डिफिनेशन में आ जाए तो लिख देना, रिट्स आर अ लीगल ऑर्डर। एक लीगल ऑर्डर होते हैं जो काम करने के लिए या फिर ना करने के लिए लगाए जाते हैं, उनको लगते हैं रिट्स, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग ऑर्डर्स और रिट्स, ओके। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है बाय इशूइंग ऑर्डर और रिट्स, ओके। और इसी रीज़न के लिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गार्जियन या फिर प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग ऑर्डर और रिट्स। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड गार्जियन और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो वर्ल्ड राइट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि कोई स्पेशल लीव को ग्रांट करा हमने, कोई भी चीज़ अगेंस्ट होती है उस जजमेंट के बारे में, उसको हमने कोर्ट तक पहुँचाया बात। अभी इस जजमेंट में क्या हुआ कि इस जजमेंट के अंदर जो कोर्ट है वो अपने डिसीजन को या फिर जो चेंज कर सकता है, कोई भी अपने डिसीजन को या फिर कोई भी सेंटेंस जो उसने पास आउट कर दिया है लोअर कोर्ट से, तो उसको चेंज कर सकता है। कोर्ट कैन चेंज डिसीजन और रिड्यूस सेंटेंसेस पास बाय द लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एस फॉर सुप्रीम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, फाइनल अपील होती है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट एज फॉर सुप्रीम, ओके। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज व्हाट? सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, क्योंकि उसके आगे कोई और कोर्ट नहीं है, बस मेन कोर्ट वही है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है? जो प्रेसिडेंट है वो अपने ओपिनियन को पास दे सकता है, मतलब दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उसके पास भी लॉ पता है उसको भी, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ के क्वेश्चन में वो दे सकता है बात, और जो कि और उसमें प्रेसिडेंट तो बहुत ही दे सकता है, क्योंकि जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो, कि जिसमें पब्लिक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो। और ये ओपिनियन क्या होता है? एडवाइजरी कहते हैं। दिस ओपिनियन इज हाउ एवर ओनली एडवाइजरी, एडवाइजरी ओपिनियन में ही कहते हैं, विच इज़ द प्रेसिडेंट इज़ फ्री टू फॉलो और नॉट टू फॉलो। और कोई किसी ज्यूरिसडिक्शन में इसको नहीं बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो फ्री है उस काम को करने के लिए या फिर नहीं है फ्री। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बताया गया है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो फ्री है कि वो उसको लॉ को फॉलो करे ना करे। देन है आपका रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 137, आर्टिकल जो 137 है हमारा,
आर्टिकल 137 में हमारा बताया गया है कि कोई भी जजमेंट या फिर कोई भी ऑर्डर आर्टिकल 137 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 137 में कहा गया है कि कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, कोई भी जजमेंट या फिर कोई भी ऑर्डर को जो बनाया गया है वो कोई मिस्टेक से या फिर कोई एरर हो गई उसमें, तो उसमें जजमेंट डाल सकते हैं और ऑर्डर डाल सकते हैं। दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ दिस इज़ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज़ बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, सॉरी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड सारे कोर्ट में, ओके सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड डिसीजन आर ऑफ इवेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। नेक्स्ट हमारा आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा एक फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रेटर है हमारा वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके ही डिसीजन फाइनल होते हैं। तो इसलिए उसके पास पावर है टू रिव्यू लॉज पास बाय द यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर, सो इट हैज़ द पावर टू रिव्यू लॉज। लॉज को यहाँ पर देखो पेंसिल से लिखा हुआ है, हमने पेंसिल से मतलब लिखा क्या हुआ है, पिंक पेन से मार्क है, पिंक हाइलाइटर से हाईलाइटेड है। इट हैज़ अ पावर टू रिव्यू लॉज पास बाय द यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर्स, एक कोई पावर है और पावर में क्या है, उसको रिव्यू किया गया लॉज को जो कि पास है यूनियन और फिर स्टेट लेजिस्लेचर से। इट हैज़ अ पावर टू रिव्यू लॉज पास बाय द यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया जुडिशियल रिव्यू में क्या पॉइंट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है, हैज़ अ पावर टू रिव्यू लॉज पास्ड बाय द यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर लॉ अल्ट्रा वायर, सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायर एक लॉ को डिक्लेयर कर सकता है, इसका मतलब है कोई नल या फिर वॉइड, नल या फिर वॉइड, और फिर इसके अगेंस्ट जो लेटर और स्पिरिट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कॉन्स्टिट्यूशन को पहुंचा दी जाएंगे, और जो पावर इज रिफर्ड टू एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और कौन सी पावर बता दी जाएगी, कि पावर कौन सी बताई गई है, अगर जुडिशियल रिव्यू बताई गई है, एक मिनट, जुडिशियल रिव्यू, अब फिर से बता दे रही हूँ कि जुडिशियल रिव्यू जो पावर है हमारी वो कब बताई जाएगी, जुडिशियल रिव्यू हमारी पावर तब बताई जाएगी जब जो गवर्नमेंट है वो लॉ को, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस लॉ को डिक्लेयर कर दे अल्ट्रा वायर को डिक्लेयर कर दे, तो वो जो लॉ है वो हमारा पावर जो होगी तो पावर रेफर करेगी जुडिशियल रिव्यू को। सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है टू रिव्यू the national and state laws and execute orders and declare them null and void if they go against the provision of the constitution। अगर वो constitution के विरुद्ध जा रहे हैं तो फिर जो supreme court है उसके पास power है कि सारे national state laws को execute कर दे वो। और उन सारे जितने भी विरुद्ध हैं उस constitution के उसको null और void means ultra vires को declare कर दें। अभी आपका एक दिया गया है, एक डिब्बा बता दिया गया है इम्पोर्टेंट रिट का, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नथिंग। नेक्स्ट अब हमारा आता है क्या, नेक्स्ट पेज आता है, देख लूँगा। अब नेक्स्ट हमारा पेज में है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट है वो उसको रिकॉर्ड देना पड़ता है, उसके पास सब कुछ प्रिपरेशन रहती है कि अगर उसको उसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन उसको देनी है तो वो उसमें दे सके फॉर प्रेजेंटेशन एज एविडेंस, कोई भी एविडेंस है उसके प्रेजेंटेशन वो दे सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रोसीडिंग मीन्स एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहता है।
और आपकी बुक में लैंग्वेज दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट हुज प्रोसीडिंग्स एक्ट्स डिसीजंस आर केप्ट इन अ रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटेशन एज एविडेंस. वही चीज़ बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट हैं वो प्रोसीड रहते हैं एक नोटबुक में या फिर कोई भी चीज़ में प्रोसीड रहते हैं, और वो एक किस लिए प्रोसीड रहते हैं, इसलिए प्रोसीड रहते हैं कि वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक प्रेजेंटेशन एज एविडेंस दिखा सकें जब ज़रूरत पड़े और कोई भी लॉ को सपोर्ट में कर सकें. These records can be used as evidence and cannot be questioned for their authentication in any court of India. कोई भी कोर्ट जो इंडिया में है उसे कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं दे सक देना पड़ेगा, किसी पे कोई आरोप नहीं लगा पाएगा, ठीक है, उसको आंसर नहीं देना पड़ेगा. देन नेक्स्ट हमारा आता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट बेसिकली एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में एक हाई कोर्ट ही बहुत ही एक हर स्टेट में रहता है हाई कोर्ट, और स्टेट लेवल पे जो हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है. ऑलराइट, तो हर स्टेट लेवल पे एक हाई कोर्ट रहता है और जो जुडिशियल अथॉरिटी के लिए रहता है. और फिर क्या है यहाँ पर कि जो पार्लियामेंट है वो कैन एस्टेब्लिश, अभी यहाँ पे जितना भी पिंक से लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखो, ये जितना भी पिंक से लिखा हुआ है बता दें क्या लिखा है. The Parliament can establish a common High Court for two or more states and union territories. The High Court of Chandigarh has jurisdiction over Punjab and Haryana, while the Mumbai High Court enjoys jurisdiction over the states of Maharashtra and Goa. Delhi is the only union territory with a High Court, while the remaining six union territories are under the jurisdiction of High Courts of adjacent states. ऑलराइट, तो इस पैरा में ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है वो एक हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश कर सकता है एक या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, एक हाई कोर्ट सीमित है, एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हो सकता है. तो हाई कोर्ट जो है हमारा चंडीगढ़ का वो किस जुरिसडिक्शन में आता है, उसके पास पंजाब हरियाणा ओके इन दोनों जो स्टेट्स हैं इनकी जो जुरिसडिक्शन जितनी भी है वो चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो उसके पास है. अभी अगर हम बात करें मुंबई हाई कोर्ट की, तो जो मुंबई में हाई कोर्ट है वो क्या जुरिसडिक्शन उसके पास महाराष्ट्र के जो स्टेट्स हैं और गोवा, इन दोनों में क्या है, इन दोनों की जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या है, मुंबई हाई कोर्ट में एस्टेब्लिश है. दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी ऑफ विद द हाई कोर्ट, वाइल द रिमेनिंग सिक्स यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एडजेसेंट स्टेट. दिल्ली जो है वो एक अकेली यूनियन टेरिटरीज है हाई कोर्ट के पास ना, यूनियन टेरिटरीज बता रहे हैं, और जो सिक्स यूनियन टेरिटरीज है वो उसी हाई कोर्ट में जिसमें स्टेट्स में रहती हैं, किसी यूनियन टेरिटरी में नहीं है, बट दिल्ली में यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट है. कंपोजिशन क्या है, अब कंपोजिशन में क्या है कि जो नेक्स्ट ये भी अंडरलाइंड है आपका पिंक वाली हाइलाइटर से, हाई कोर्ट कंप्राइजेज अ चीफ जस्टिस. अब जैसे कि हमने बताया था चीफ जस्टिस यहाँ पर भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस था, प्रेसिडेंट से अपॉइंट था एज अ सीनियरिटी, यहाँ पर भी चीफ जस्टिस है. और जजेस जो हैं सुप्रीम के, जो जजेस हैं वो फिक्स्ड नहीं है, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो फिक्स्ड नहीं है. जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो फिक्स्ड नहीं है. अब नेक्स्ट हमारा आता है अपॉइंटमेंट क्या होती है. अपॉइंटमेंट यहाँ पे देख लो, जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस की और उनके अदर जजेस की हाई कोर्ट में, वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट रहती है. प्रेसिडेंट उसी चीज़ को अपॉइंट करता है. प्रेसिडेंट का हाँ बहुत मेन रोल है इसमें, मेन रोल ऑफ प्रेसिडेंट है यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट हमारा है कि जो क्वालिफिकेशंस हैं क्या क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के लिए. तो फिर जो क्वालिफिकेशंस है ही शुड बी, अभी जैसे कि हमने बताया था कि कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी होती हैं जो सेम है एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, वो पहली हमने बताई थी वो सेम है. क्या है, ही शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, और अगर इंडिया का सिटीज़न नहीं है तो वो नहीं बन सकता है. इंडिया का सिटीज़न है तभी बन सकता है, अगर नहीं है तो नहीं बन सकता है. नेक्स्ट हमारा क्या है, ही शुड हैव जुडिशियल ऑफिस इन दिस कंट्री फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स. जो कंट्री का जो जुडिशियल ऑफिस है वहाँ पे 10 साल तक उसने काम करना चाहिए, होना चाहिए.
ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स. थर्ड पॉइंट है ही शुड नॉट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स. वो एक एडवोकेट भी होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल तक के लिए. एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स. कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे 62 ईयर्स. जो हाई कोर्ट का जो जज है वो एच फॉर हाई कोर्ट, ठीक है, वो 62. वेयर जो सुप्रीम कोर्ट का था वो क्या है हमारा 65 ईयर्स. हाई कोर्ट का 62 ईयर्स. नेक्स्ट क्या है हमारा कि जज जो रिज़ाइन कर सकता है, जैसे कि उन्होंने बताया था वहाँ पर जज को अगर रिज़ाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखकर रिज़ाइन कर देगा. और जो प्रेसिडेंट है वो जज को निकाल सकता है बीच में ही, अगर जो जज है वो मिसबिहेव कर रहा है कोई, या फिर कोई भी चीज़ इनकैपेबिलिटी उसे कर रहा है काम. सैलरीज हम जैसे बताया था कि सैलरी फिक्स रहती है कंसोलिडेटेड फंड से, एक सैलरी रहती है तो वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट देता है सैलरी आपको हाई कोर्ट को भी. अब नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेटल टू अ रेंट फ्री रेजिडेंस. एक रेंट फ्री रेजिडेंस देता है सरकार. आफ्टर रिटायरमेंट दे रिसीव पेंशन, पेंशन भी मिलती है उनको रिटायरमेंट के बाद. नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो जुडिशियल पावर है हाई कोर्ट की वो बताई गई है. तो अब उसमें क्या है, लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हर ईच हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. हर एक हाई कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड हो तो हाई कोर्ट के पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और ओरिजिनल और एपिलेट जुडिशरीशन दोनों हैं. तो जो जुडिशरीडिक्शन और पावर्स है हाई कोर्ट की वो हमारी दी गई है. वो क्या दी गई है, ओरिजिनल जुडिशरीडिक्शन. ओरिजिनल जुडिशरीडिक्शन में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस जो डिस्प्यूट हुआ है उसको सुनकर डिसाइड कर सकता है कि कौन सा केस लगेगा पहली बार में. ओरिजिनल डिसीजन हैज द फॉर हाई कोर्ट एक्सटेंड्स टू फॉलोइंग केसेस. कौन से केसेस में, अगर केसेस रिगार्डिंग है विल्स, विल्स के रिगार्डिंग केस है विल्स, ओके, विल्स के रिगार्डिंग केस है, या फिर डिवोर्स के का रीज़न है, या फिर मैरिज का रीज़न है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन सब के अगर रीजंस हुए हैं तो जो हमारा वो है हाई कोर्ट इस पर वर्क कर सकता है केसेस रिगार्डिंग विल, डिवोर्स, मैरिज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्सेट्रा. अगर अब नेक्स्ट पॉइंट है, हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, बता सकता है कि गलत हो रहा है या नहीं है. और ऐसी पावर को क्या कहते हैं, जुडिशियल पावर कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. देख लो यहाँ पे जुडिशियल. अभी जो हाई कोर्ट है वो कैन डिक्लेयर पर्टिकुलर लॉ एज नल एंड वॉइड. हाई कोर्ट जो है वो उस पर्टिकुलर लॉ को नल और वॉइड, मींस अल्ट्रा वायर, अल्ट्रा वायर मतलब कि मीनिंग नल और वॉइड. और इट नल और वॉइड को डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसी पावर को क्या कहते हैं हम लोग, जुडिशियल पावर कहते हैं. ठीक है, जुडिशियल पावर कहते हैं, दिस इज जुडिशियल पावर. हाई कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है क्या, हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर दिस अल्ट्रा वायर. नेक्स्ट क्या है, हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स बाय यूजिंग रिट्स. रिट्स हमने बताया था क्या है, लीगल ऑर्डर है. तो रिट्स के द्वारा वो क्या कर सकता है, उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकता है. नेक्स्ट है हमारा एपिलेट जुरिसडिक्शन. एपिलेट जुरिसडिक्शन में क्या होता है, एपिलेट जुरिसडिक्शन में बेसिकली जजमेंट ऑफ अ सेशन जज अपील करता है. पहली बात तो जो जज हमारे एपिलेट जुडिशरीशन है उसमें सिविल सिविल एंड प्रोसीजर, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों को ये एक्सटेंड करता है हाई कोर्ट. ये बहुत याद रखना, जो हाई कोर्ट है वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों को अटेम्प्ट करता है. अब पहला पॉइंट हमारा हो गया, दो पॉइंट खाली, अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज.
कैसे अपील करता है अगेंस्ट जजमेंट ऑफ अ सेशन जज. सेशन जज का जजमेंट अपील करता है अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ अ सेशन जज, अन एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. सेंटेंस ऑफ डेथ मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट इज कैरिड आउट. डेथ का जो सेंटेंस है वो कहाँ दे दिया जाता है, हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में? हाई कोर्ट में दे दिया जाता है, भले वो बाद में सुप्रीम कोर्ट भले जाए, पर डेथ का सेंटेंस दे दिया जाता है हाई कोर्ट में. बिसाइड इट ऑल्सो हियर्स अपील रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू. देन हमारा क्या है, ये हमारा पूरा हो गया. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आंसर इट, प्लीज़ टेल योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इमीडिएटली आंसर इट. ऑलराइट, सो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स. ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. If you will subscribe, I will make more videos regarding the book chapters. Okay, not like the theories which are outside. The theories which is in your book, only that story I will explain. Okay, so please subscribe it. और इसकी जो exercises हैं वो मैं बता देती हूँ. Exercises क्या हैं इसकी, दिखा देती हूँ exercises. ये देखो, fill in the blanks. यही चीज़ें हैं. और इन इंडिया वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कोर्ट विद द सुप्रीम कोर्ट एट एपेक्स. एपेक्स हमने बताया था आएगा, तो एपेक्स लिखा हो, मतलब एपेक्स मतलब एक राइटिंग नीचे लिख दो, एपेक्स अगर लिखा हो तो एपेक्स मतलब होता है टॉप. सुप्रीम कोर्ट होता है वो थ्री टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि ओरिजिनल, ओरिजिनल, एपीलेट और एडविजरी. नेक्स्ट है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन और प्रोटेक्टर है. दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज हाई कोर्ट. हाई कोर्ट किसकी, कौन सी यूनियन टेरिटरीज के पास है, दिल्ली के पास, और किसी भी यूनियन टेरिटरी, सिक्स यूनियन टेरिटरी है उनके पास नहीं है. द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी एट द एज ऑफ 62 ईयर्स. हाई कोर्ट का जो जज है वो 62 ईयर्स तक का हाई कोर्ट का जज रह सकता है, 65 तक का सुप्रीम. ओके, तो ये दिस हो गया. थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 एंड शेयर योर डाउट. थैंक यू.